नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को एक फ्लॉप शो बताया है। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी वास्तव में भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहती है, उन्हें यह यात्रा गुजरात से शुरू करनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछते हुए कहा कि पार्टी ने केवल यही मार्ग क्यों चुना, आखिर इस यात्रा के मार्ग को लेकर क्या कारण था, इस मार्ग को अंतिम रूप किसने दिया। बेगूसराय शूटआउट मामले में मरने वाले और घायलों की जाति धर्म बताने पर सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर हमला बोला है। गिरिराज ने नीतीश से सवाल किया है कि क्या उनको दर्द तभी होगा जब घटना में किसी मुसलमान की मौत होगी। जंगलराज में मुसलमानों को गोली मार दी जाए तो नीतीश बाबू को दर्द होता है। सत्ता में बैठे धृतराष्ट्र को आम बिहारियों की जान की चिंता नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दो बहनों की कथित तौर पर हत्या किए जाने की घटना को लेकर बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनको सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। हमें अपनी बहनों बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 21 सितंबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन होने जा रहा है। वहीं आरजेडी के महासचिव श्याम रजक ने कहा कि 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और जंतर मंतर रोड में सम्मेलन केंद्र है। वहां पर पूरे देश के 24 राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के लिए हालांकि कई दावेदार है, इनमें उदय नारायण चौधरी, भूदेव चौधरी, अब्दुल बड़ी सिद्दीकी और श्याम रजक के नाम शामिल है। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए की ठगी केस में अभिनेत्री नोरा फतेही ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंची गई है, उनसे भी पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक नोरा फतेही से पिंकी ईरानी को सामने बिठाकर पूछताछ किए जाने की तैयारी है। इससे पहले जैकलीन फर्नांडिस से आर्थिक अपराध शाखा में 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। ललन सिंह ने कहा कि जो बीजेपी में चला जाता है उसका पाप धुल जाता है। विपक्ष के लिए ईडी और सीबीआई एजेंसियों का इस्तेमाल करने वाले बीजेपी से उन्होंने सवाल किया कि आपकी ईडी और सीबीआई कहां गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के कवर ड्राइव को पाकिस्तान के स्कूली बच्चे सॉल्व करेंगे। दरअसल पाकिस्तान के स्कूल में 9वीं क्लास के सिलेबस में बाबर आजम के फेवरेट शॉर्ट कवर ड्राइव को शामिल किया गया है, जिसमें बाबर आजम के कवर ड्राइव से जुड़ा एक सवाल किया गया है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के पत्रकार सिराज हसन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यह स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मुख्य मोर्चा बनाने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो निश्चित रूप से बिहार को वो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमेशा से कर रहा हूं, पूरी सरकार की तरफ से करते रहेंगे। उन्होंने सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भी मोदी है लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिली, सुशील मोदी को जगह मिल जाए तो हमें खुशी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकली भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवाले ने बृहस्पतिवार को इसे भारत तोड़ो यात्रा बता दिया। उन्होंने कहा कि गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। इस यात्रा में कोई दम नहीं और इस यात्रा को लेकर हमें कोई गम नहीं। बेगूसराय गोलीकांड पर चौतरफी आलोचना झेल रहे बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी किस आधार पर हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, उत्तर प्रदेश में रोज बड़े अपराध होते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वहां है रामराज है, कुछ लोग घटना को एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, यह जनता राज है। बीजेपी का फुल फॉर्म बड़का झूठा पार्टी है, वे ऐसा कभी नहीं करते जैसा वे कहते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस समिट में पाकिस्तान के PM और चीन के राष्ट्रपति भी शामिल हो रहे हैं। 3 साल बाद यानी 2022 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक बार फिर इस मंच पर होंगे। हालांकि इस बार भी बातचीत के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से पहली बार PM मोदी का सामना होगा। दोनों नेताओं के बीच अगर बातचीत होती है तो यह भारत पाक व्यापार के लिए काफी अहम होगा। जन स्वराज अभियान के तहत बिहार में 2 अक्टूबर से पदयात्रा की तैयारी में जुटे प्रशांत किशोर ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई मुलाकात को लेकर गुरुवार को बयान जारी कर सब कुछ स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं मई से बिहार में काम कर रहा हूं, तब से कई बार मिलने की बात हुई लेकिन नहीं मिल पाए, इसलिए शिष्टाचार के नाते उनसे मुलाकात हुई है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को अक्टूबर माह में तोहफा मिल सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में बढ़ोतरी की जा सकती है। बता दें कि सरकार हर 3 माह पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर पर समीक्षा करती है। हालांकि बीते करीब 27 माह से ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और यह स्थिर है। भारत में कोरोना महामारी से अभी तक जंग जारी है। बुधवार की तुलना में आज कोरोना के केस में करीब 25% की वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 6422 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के सक्रिय मामले 46379 पर पहुंच गए हैं। इस अवधि के दौरान 34 और मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से संक्रमण में अब तक कुल मामले बढ़कर 4,45,16,469 हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके यानी 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया जा रहा है। इन्हें मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में रखा जाएगा। नामीबिया से लाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर को उनके नए निवास स्थान में छोड़ा जाएगा। इसके लिए बोइंग 747 से 400 विमान नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुँच चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 15 सितंबर 2022 यानी आज रात 10 बजे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट जारी हो जाने के बाद उम्मीदवार उसे आधिकारिक वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर चेक कर पाएंगे। उम्मीदवार अपना स्कोरबोर्ड, आवेदन संख्या और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके चेक कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी में कथित घोटाला मामले में हुए स्टिंग ऑपरेशन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मेरे यहां पर CBI की रेड करवाई गई थी, लेकिन CBI को कुछ नहीं मिला। अगर यह स्टिंग सही है तो 4 दिन के अंदर CBI जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। IRCTC राम भक्तों के लिए एक बार फिर शानदार पैकेज लेकर आया है, जो कि 26 सितंबर से शुरू होगा। दरअसल IRCTC राम भक्तों के लिए एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाने जा रहा है, जिसमें आपकी यात्रा 8 दिन और 7 रातों की होगी। जिसमें आपको अगर तल्ला से ट्रेन पकड़नी होगी, यात्रा में आप भगवान राम से जुड़ी जगहों अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी घूमने का मौका मिलेगा। भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर जाना जाता है। बता दें कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU डेमोक्रेसी को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इसके मुताबिक 2014 के बाद से ही लगातार भारत के डेमोक्रेसी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। तब भारत की रैंकिंग 27 थी। वहीं EIU की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46वें पायदान पर है। वहीं स्वीडिश संस्था VDEM भी हर साल डेमोक्रेसी को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है। 2022 में जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत डेमोक्रेसी के मामले में 93 पे पायदान पर है। सुबह सपा पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को धोखेबाज बताते हुए कहा, अंगूर जब पेड़ में फरता है और लोमड़ी नहीं पाती है तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई महात्मा गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फूले की है। जब इस देश में वर्ण व्यवस्था बनी तो 4 वर्ग आया था। इसमें पिछड़ों की शिक्षा नहीं देने की बात कही गई थी। ये कौन पिछड़े थे? इस पिछड़ों की लड़ाई को लेकर उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी पूरे देश को एकजुट करती है। स्टालिन ने कहा कि ये इंडिया है, हिंदिया नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि तमिल समेत भारतीय भाषाओं को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाना चाहिए और हिंदी दिवस के बजाय भारतीय भाषा दिवस मनाना जाना चाहिए। भारत के महान अभियंता एवं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित सरमुख गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर देश हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाता है। हालांकि यूनेस्को द्वारा हर साल 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। महान अभियंता सर एम विश्वेश्वरैया ने बेहद कम संसाधनों के बावजूद दक्षिण भारत में बांध निर्माण, सिंचाई तथा जलापूर्ति के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट में अपने पक्ष रखते हुए केंद्र ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों में मेडिकल छात्रों को नहीं रखा जा सकता है। छात्र अपने यूक्रेन के कॉलेजों से अप्रूवल लेने के बाद अन्य देशों में ट्रांसफर लेने का विकल्प चुन सकते हैं। अगर कम नेट स्कोर वाले छात्रों को समायोजित किया जाएगा तो पहले से पढ़ रहे स्टूडेंट्स आपत्ति कर सकते हैं। कम नेट स्कोर वाले यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स को भारतीय कॉलेजों में एडमिशन देना देश की मेडिकल शिक्षा के मानक को प्रभावित करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा पर बड़ा हमला बोला है। जयराम रमेश ने कहा कि 2 तरह के लोग कांग्रेस छोड़कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहली श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जिन्हें पार्टी से सब कुछ मिला है। दूसरी तरह के नेताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, दूसरे वो नेता है जो जांच एजेंसियों के रडार पर है। वे जाकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जैसे ही वे भाजपा में शामिल होंगे, वे क्लीन हो जाएंगे।
किसानों के स्वामित्व वाले दुग्ध उत्पादन कंपनियों की दूध की खरीद 3 गुना से अधिक होने का अनुमान है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार अगले 5 साल में मूल्य के लिहाज से यह खरीद बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। एनडीडीबी के चेयरमैन मनीष शाह ने कहा कि दूध उत्पादक कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष में 5,575 करोड़ का दूध खरीदा। झारखंड में चल रहे सियासी घमासान के बीच गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान सीएम सोरेन ने राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश की एक कॉपी उन्हें भी उपलब्ध कराने और जल्द से जल्द फैसला करने की अपील की है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट किया आज राजभवन में माननीय राज्यपाल जी रमेश बैस जी से मुलाकात कर राज्य में विगत 3 सप्ताह से अधिक समय से उत्पन्न अनपेक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की अनिश्चितता को दूर करने हेतु पत्र सौंपा, जिससे इस भ्रम की स्थिति में भाजपा द्वारा किए जा रहे अनैतिक प्रयास से उसे रोका जा सके। लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। वैश्विक संकेतों और निवेशकों के चलते सेंसेक्स फिर से 60,000 के नीचे तो निफ्टी 18,000 के नीचे गिरकर बंद हुआ है। आज का कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 412 अंकों की गिरावट के साथ 59,934, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 126 अंकों की गिरावट के साथ 17,887 अंकों पर क्लोज हुआ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले 2022 टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था। इस टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज और इस फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट संजू सैमसन को नहीं चुना गया, जिसके बाद नाराज स्थानीय प्रशंसक ग्रीनफील्ड स्टेडियम में 28 सितंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच के दौरान बीसीसीआई के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान स्थानीय लोग सैमसन की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर बीसीसीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कोलकाता मेट्रो ऐतिहासिक परियोजना का काम कर रही है, जिसके तहत देश में पहली बार मेट्रो गंगा नदी के नीचे से दौड़ेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश में अगले वर्ष जनवरी तक देश को एशिया का दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के तहत कोलकाता के साल्ट लेक सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी मेट्रो परियोजना के तहत गंगा नदी के नीचे से मेट्रो दौड़ेगी। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गुरुवार को वह राजस्थान के झुंझुनू पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के कारण मोदी 2 बार देश के पीएम नहीं बने, बल्कि कांग्रेस के कारण वह 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनके प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस इतना क्यों डरती है? बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है के सिन्हा, जो बिडेन, नुनू कुमार, रविशंकर, शैलेंद्र यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यूक्रेन से लौटे भारतीय स्टूडेंट्स को भारतीय विश्वविद्यालयों में मेडिकल छात्रों को नहीं रखा जा सकता, आपका केंद्र के द्वारा लिया गया इस फैसले पर क्या कहना है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।